सो गाइज यहाँ पर मैंने चार पांच बेस्ट लैपटॉप्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके। हेलो गाइज, दिस इज समीर वड़कर एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट लैपटॉप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आके ही लैपटॉप्स को परचेज करते हैं एंड एट दैट टाइम यार उनको उतना पता नहीं होता कि मतलब कौन से फीचर्स किसके लिए यूज होते हैं। तो गाइज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। गाइज, बिफोर बाइंग एनी पर्टिकुलर लैपटॉप आपका पर्पज इट शुड बी क्लियर। आप वो लैपटॉप क्यों ले रहे हो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आई वॉन्ट टू डू कोडिंग यार, इफ़ यू वॉन्ट टू डू वीडियो एडिटिंग तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स ऑन माई लैपटॉप तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आई वॉन्ट टू डू फ्रीलांस वर्क तो कौन से फीचर्स इंक्लूड होना चाहिए। तो गाइज ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। तो गाइज आप देख सकते हो कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। रैम आप देख सकते हो, सीपीयू, हार्ड डिस्क कहाँ लगाई जाती है, एसएसडी, ये गाइज ये सारी टर्म्स अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम जान लेते हैं यार रैम के बारे में। गाइज रैम क्या होती है? गाइज रैम इज यूज टू स्टोर मेमोरी। ओके गाइज, रैम अगर अच्छा है यार, ज़्यादा है तो गाइज स्पीड मिलती है। कोई भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो यार आपको स्पीड मिलती है। तो अगर आप रैम को अगर आप देखोगे तो गाइज देर आर टाइप्स ऑफ रैम। ओके, अगर आपने देखा रहेगा DDR2 था, DDR3 था, अभी DDR4 है और जल्दी DDR5 भी आएगा, शायद आ भी गया रहेगा। बट गाइज DDR2, DDR3 ऐसी रैम अगर आप कोई लैपटॉप परचेस करें, अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल भी रैम को परचेस मत करना। DDR4 इज बेस्ट, अभी आप DDR4 को परचेस कर सकते हो, एकदम बेस्ट है DDR4। और गाइज रैम की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो गाइज रैम की फ्रीक्वेंसी होती है 2400Hz टू 5400Hz। तो गाइज जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा रैम अच्छे से वर्क करेगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, जब आप कोई भी लैपटॉप के फीचर स्पेसिफिकेशन देख रहे हो ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो गाइज ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि रैम कितना है और वो एक्सपांड किया जा सकता है कि नहीं, स्लॉट्स अवेलेबल है कि नहीं। तो गाइज अगर आप मेरे लैपटॉप की बात करेंगे तो गाइज मेरे लैपटॉप की जो रैम है वो है 8GB। और गाइज अगर आपकी 8GB रैम मिनिमम है तो गाइज मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आपको आराम से चल जाएंगे आपके लैपटॉप में। ठीक है, मेरे लैपटॉप की एक स्लॉट में 8GB का रैम है और दूसरा स्लॉट खाली है। अभी उसमें मैं और ऐड कर सकता हूँ और मेरे अपने लैपटॉप की रैम और बढ़ा सकता हूँ। मेरे लैपटॉप को एक्सपांड किया जा सकता है 32GB तक। तो गाइज जो भी आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो ऑनलाइन जाके या फिर ऑफलाइन, तो हमेशा ध्यान रखना रैम कितना है। गाइज 4GB रैम है एक स्लॉट में तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा स्लॉट है कि नहीं। अगर दूसरा स्लॉट एक्सपांड नहीं कर सकते तो गाइज वो लैपटॉप परचेस मत करो। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लैपटॉप्स के जो रैम्स होते हैं वो एक्सपांड किए जा सकते हैं, लाइक 12GB तक किया जा सकता है, 16GB तक किया जा सकता है। तो गाइज वो चीज़ें आप देखो कि रैम स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। एक ही रैम स्लॉट नहीं होना चाहिए, आप एक्सपांड कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन उस लैपटॉप में होना चाहिए। सो गाइज दैट वॉज नथिंग बट रैम। गाइज अभी हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी लैपटॉप का। गाइज सीपीयू प्रोसेस करता है, इट हैज प्रोसेसर। गाइज सीपीयू के भी बहुत दो टाइप्स है जो कि आपको मार्केट में फेमस है, गाइज इंटेल एंड AMD। गाइज इंटेल अगर आप देखोगे तो गाइज मार्केट में बहुत सालों से है और AMD अभी रिसेंटली एंड बहुत ही फेमस भी हो रहा है। तो गाइज AMD क्या है, AMD एंड इंटेल बोथ आर प्रोसेसर। अभी AMD को अगर हम इंटेल के साथ कंपेयर करेंगे तो गाइज आप देख सकते हो इंटेल थोड़ा कॉस्टली होता है, AMD थोड़ा चीप होता है। तो गाइज ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। मुझे तो लगता है आप कोई भी ले लो, अगर आपका बजट कम है तो गाइज यू कैन गो फॉर AMD CPU। तो प्रोसेसर CPU आप देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो इंटेल के बारे में तो गाइज इंटेल के जो प्रोसेसर्स है वो है i3, i5, i7, i9। ओके, i9 अभी रिसेंट है जो कि हाई परफॉर्मेंस देता है एंड इट इज़ फास्टर एंड इट इज़ मोस्ट कॉस्टलियर दैन प्रीवियस i3, i5, i7। ठीक है, तो i9 ले रहे हो तो गाइज आपका बहुत बजट जाएगा। i7 इज फास्टर दैन i3, i5, i5 इज फास्टर दैन i3। तो गाइज ऐसे आप रेंज में जा सकते हो। गाइज i5 ले रहे हो तो इट इज़ गुड। मेरे लैपटॉप का भी जो प्रोसेसर है वो i5 इंटेल कोर ही है, तो i5 में भी बहुत अच्छे से चल जाता है लैपटॉप। ठीक है, और जनरेशन भी होता है लाइक 7th generation, 8th generation, 9th generation, 10th generation, 11th generation। तो गाइज कोई अगर आप लैपटॉप देख रहे हो और i5 के जनरेशन अलग अलग है, 8th generation, 9th generation, तो गाइज आप कंपेयर करना गूगल पे विच इज़ बेटर, i5 और 8th generation or 9th generation, 9th generation or 10th generation। तो गाइज ज़्यादा कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता जनरेशन में, बट फिर भी
अगर आपको बजट कम करना है तो आप इस जनरेशन में भी जा सकते हो। अगर हम वहाँ पर AMD के CPU देखते हैं तो गाइस प्रोसेसर यहाँ पर Ryzen 3, 5, 7, Ryzen 9, तो गाइस ऐसे प्रोसेसर AMD के वे वो ये प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो गाइस आप AMD के प्रोसेसर भी ले सकते हो। तो गाइस इसमें भी सेम ही है, Ryzen 9 इज मोर फास्टर देन ऑल द प्रीवियस वन, Ryzen 3, 5, 7। तो गाइस आप कंपेयर करना, कोई भी लैपटॉप आ रहा है आपके पास तो आपको फर्स्ट चीज़ ये करना है कि आपको देखना है CPU कौन सा है उस लैपटॉप में। इंटेल का है तो इंटेल में प्रोसेसर कौन सा है, i5, i7। तो अगर आपके पास AMD वाला लैपटॉप आ रहा है तो उसमें प्रोसेसर Ryzen कितना है, 7, 5, 7, फिर उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो लाइक i5 वर्सेस Ryzen 7, ठीक है, i3 वर्सेस Ryzen 5, तो उसमें कौन सा अच्छा CPU है वो कंपेयर करके आप CPU को डिसाइड कर सकते हो। और CPU बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। गाइस स्टोरेज बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज दो टाइप के हैं अपने लैपटॉप में, कोई भी आप देख सकते हो, एक होता है HDD एंड दूसरा होता है SSD। गाइस HDD मतलब हार्ड डिस्क, और ये इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो गाइस हार्ड डिस्क आपकी कितनी होनी चाहिए, गाइस मैं तो बोलता हूँ यार आपकी हार्ड डिस्क 1 TB होनी चाहिए, मतलब आप 1 TB तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। अभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरे पास बहुत डाटा होता है, 2-2 GB के वीडियोस में स्टोर करता हूँ, तो अभी 1 TB इज़ गुड फॉर मी। गाइज दूसरा चीज़ है SSD। गाइज SSD बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। SSD का काम क्या होता है, गाइज SSD आपके लैपटॉप को फास्ट बनाता है, ठीक है। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो SSD अगर है आपके लैपटॉप में तो गाइज आपके जो कोड्स है वो थोड़े फास्ट रन करेंगे। अगर आप नॉन टेक बायो बैकग्राउंड से हो, लाइक केमिकल, मैकेनिकल, EXEC ये सब से हो, तो गाइज आप SSD अगर नहीं लगानी तो भी चल सकती है। अभी मेरे लैपटॉप में SSD नहीं है बट स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है, मैं SSD जब चाहे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज जब कभी भी आप लैपटॉप ले रहे हो तो गाइज SSD भले ही उस लैपटॉप में नहीं है बट स्लॉट होना चाहिए, उस स्लॉट को बोलते हैं M.2 स्लॉट, ठीक है। मेरे लैपटॉप में SSD नहीं डाली मैंने, अभी मेरे लैपटॉप को 3 साल हो गए, SSD नहीं है उसमें, बट आई हैव ऑप्शन टू एड दैट SSD। तो गाइज जो SSD स्लॉट होता है उसमें मैं SSD डाल सकता हूँ बाहर से, लाइक SSD का प्राइस कॉस्ट जाएगा ऑलमोस्ट 3-4,000-5,000 रुपीज़, तो मैं कभी भी डाल सकता हूँ जब कभी भी मुझे यूज़ है। SSD क्या करता है, आपके लैपटॉप को फास्ट बनाता है। अगर आपको शट डाउन और ऑन करना है लैपटॉप, अगर मेरा नॉर्मल लैपटॉप आपको 2-3 मिनट लेगा शट डाउन और ऑन होने के लिए, बट अगर आपके लैपटॉप में SSD है तो गाइज वही चीज़ बहुत फास्ट हो जाएगी, 30 सेकेंड में ही आपका लैपटॉप शट डाउन ऑन हो जाएगा। तो SSD बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो गाइज आप SSD अगर नहीं है तो भी आप वहाँ पर 4-5,000 रुपीज़ सेव कर सकते हो। मैंने वही चीज़ की थी, SSD नहीं था तो वहाँ पर मैंने 4-5,000 रुपीज़ सेव किए थे। अभी मैं डाल सकता हूँ बट अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है। कोडिंग तो वैसे भी चलती है, मुझे फास्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपको टाइम सेव करना है तो गाइज आपको SSD डालना पड़ेगा। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड्स। ग्राफिक कार्ड्स को GPU भी कहा जाता है। तो गाइज स्टार्ट ही करते हैं यार, अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो गाइज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफिक कार्ड्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती इफ़ यू आर फ्रॉम CSITEI, ठीक है। ग्राफिक कार्ड्स कब यूज़ होते हैं, किन के लिए यूज़ होते हैं, तो गाइज अगर आपको प्रो वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको गेम प्ले करना है, आपको हाई रिजोल्यूशन गेम्स प्ले करना है, आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है लाइक फोटोशॉप को, एडोब प्रीमियर प्रो हो, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स हो, ब्लेंडर हो, VFX हो, ठीक है, जहाँ पर ग्राफिक्स यूज़ होता है वहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ होगा, GPU आपको वहाँ पर लगेगा। बट अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो गाइज GPU उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, होगा जब आप कोई गेम ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, गेम को डेवलप कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द केस में वहाँ पर भी उतना ज़्यादा GPU नहीं लगेगा फॉर द कोडर्स। गाइज मार्केट में 2 ग्राफिक कार्ड्स बहुत ही फेमस है, 2 GPU, एक है NVIDIA और दूसरा है AMD का Radeon, ठीक है। तो गाइज आपको कंपेयर करना है, जब भी आप कोई भी लैपटॉप परचेस करोगे तो गाइज NVIDIA भी बहुत ही अच्छा है और Radeon भी अच्छा है, दोनों भी अच्छे परफॉर्म करते हैं। बट और भी अगर आपको डीपली कौन अच्छा है किसके वर्सेस, तो गाइज आपको गूगल पे सर्च करना होगा। NVIDIA में बहुत सारी सीरीज़ है लाइक MX, GT, GTX, RTX। गाइज अगर हाई रिजोल्यूशन के गेम प्ले करना है, हाई एंड गेम्स, तो आपको GTX, RTX, NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स होने
चाहिए आपके लैपटॉप में। वही रेडियन के भी रेडियन RTX GTX ऐसे टाइप के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। तो यदि आपको कंपेयर करना है, अगर एक लैपटॉप में NVIDIA का MX 150 ग्राफिक कार्ड है और दूसरे लैपटॉप में रेडियन GTX 50 है, तो आपको ग्राफिक कार्ड्स को सर्च करना है गूगल पे, विच इज़ बेटर, NVIDIA MX 150 वर्सेस रेडियन GTX समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे आप कंपेयर करना ग्राफिक कार्ड्स कौन से यूज अच्छे हैं, तो गाइज वहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड्स का भी आइडिया लग जाएगा। बट अगर आप कोडिंग करते हो तो गाइज ग्राफिक कार्ड GPU उतना अच्छा नहीं, बट फिर भी आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है, आप कभी भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कभी भी गेम खेल, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइज GPU भी होना चाहिए अपने लैपटॉप में, बट उतना ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट फॉर कोडर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गाइज ब्रांड्स एंड सर्विसेज। गाइज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अभी पिक शो करता हूँ 2019 में कौन से ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स थे। तो गाइज मैं यार ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा ये नहीं, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे यार HP का अच्छा है HP का ले ले, डेल का अच्छा है वो ले ले, असूस बेस्ट है वो ले लो, लिनोवो अच्छा है, बहुत सारे आपको ब्रांड बताएंगे। बट आप यार मैन्युफैक्चरर्स बहुत सभी अच्छे हैं, ब्रांड्स सभी अच्छे हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डील के ऊपर जाना है, कौन सा डील कौन से कम प्राइस में आपको अच्छे फीचर्स दे रहा है। गाइज बहुत सारे ये भी होते हैं क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल्स, तो वहाँ पर आपको उस टाइम पे यार 5 to 10,000 आपको ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिल भी सकता है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपके बैंक में या फिर HDFC क्रेडिट कार्ड से ICICI क्रेडिट कार्ड से, तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है, वहाँ पर भी आप 5 to 10,000 रुपीज़ आपकी सेव कर सकते हो। इसके साथ ही यार रिलायंस स्टोर्स होते हैं, क्रोमा स्टोर, तो आप अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो वहाँ पर भी कभी कभी डिस्काउंट चालू होते हैं दिवाली ये सब में, तो वहाँ पर भी आपको 2,000-4,000 ऐसे आप ऑफलाइन डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। गाइज अभी मैं बात करता हूँ सर्विसेज के बारे में। गाइज सर्विस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज आपके हर लैपटॉप के पीछे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, बट आपका जो सर्विस सेंटर है आपके घर के पास होना चाहिए, नहीं तो यार बहुत दूर है, आपको 5 घंटे ट्रैवल करके वहाँ पर जाना पड़ रहा है, 5 घंटा जाने के लिए 5 घंटे आने के लिए, तो गाइज वो बहुत आपको बहुत टाइम जाएगा कंज्यूमिंग। तो गाइज आप जो लैपटॉप ले रहे हो उस ब्रांड को आपके नियर बाय है कि नहीं उसका सर्विस सेंटर, वो भी आपको देखना पड़ेगा। गाइज ऐसे भी ब्रांड्स है जो कि आपके घर पे आके आपको सर्विस देंगे, वो भी अच्छी बात है। तो गाइज सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज कई बार क्या होता है, आप ये ब्रांड्स आपको वारंटी एक्सटेंशन के लिए कहेंगे और उसके लिए अलग से चार्ज करेंगे, 5 to 8,000 रुपीज़ दो और वारंटी एक्सटेंड करो। गाइज वारंटी एक्सटेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका दूसरे साल आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, बट वारंटी तो 1 साल की थी दूसरे, और जब आपका दूसरे ईयर में अगर लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो अगर मदरबोर्ड का कोई प्रॉब्लम आता है, तो गाइज मदरबोर्ड लाना आप खुद से लाना पड़ेगा और उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 भी जा सकता है। अगर आपका कैमरा ख़राब होता है, कीबोर्ड ख़राब होता है, तो आपको खुद से पैसे डाल के वो सर्विस लेनी होगी। तो गाइज अगर आप 24 आवर्स मतलब बहुत यूज़ करते हैं लैपटॉप का, तो गाइज आई वुड सजेस्ट आप वारंटी एक्सटेंशन के लिए जाओ। ठीक है, वहाँ पर आप 5-6,000 जाने दो, बट अगर आपका 2-3 साल में अगर फिर से लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर आपको यार वारंटी में मिल जाएगा और फ्री में। ठीक है, तो गाइज वारंटी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखना। सो गाइज यहाँ पर मैंने 4-5 बेस्ट लैपटॉप्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके मैंने यहाँ पर आपके लिए ढूंढे हैं, तो आप इसके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट गाइज वन मोर थिंग, ये जो लैपटॉप है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइज आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस लैपटॉप। गाइज इस लैपटॉप में सारे फीचर्स अवेलेबल है एट आप और बजट में भी आएगा। इस लैपटॉप से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो, हाई रिजोल्यूशन के गेम खेल सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, सारा फ्रीलांस का वर्क होता है, सारे इस लैपटॉप से चीज़ें होने वाली है। एंड गाइज इसका जो प्राइस है वो यार वेरिएट हो रहा है, लाइक एस्टरडे मैंने देखा था तो गाइज ये 55,000 था, और इसका थोड़ा मैंने रिसेंट डाटा देखा तो गाइज इसका जो एक्चुअल प्राइस है इट लाइज बिटवीन 52,000 to 55,000। तो गाइज कल तक वेट करना, शायद इसका प्राइस और कम हो जाए। तो गाइज इसमें सारे फीचर्स मुझे अच्छे लगे, सिर्फ एक थोड़ी कमी लगी, दैट इज़ इसमें SSD नहीं है। बट गाइज SSD आप लगवा सकते हो उस लैपटॉप में, इसमें M.2 स्लॉट अवेलेबल है, आप जब चाहे SSD इसमें डाल सकते हो। तो अगर आपको SSD क्या करता है, बेसिकली आपके लैपटॉप को थोड़ा फास्ट बनाता है, लाइक बूटअप शट डाउन ऑन का जो स्पीड है वो थोड़ा फास्ट होता है, लैपटॉप थोड़ा आपका फास्ट चलता है। बट अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आपको नॉर्मल स्पीड पसंद है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, तो गाइज़ आप इस लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हो।
तो गाइस चलिए इसके थोड़े फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो एट द बॉटम गाइस। बॉटम में सब लैपटॉप के फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस इसका जो साइज़ है वो 15.6 इंचेस का है। रिजोल्यूशन आप फुल HD है। इसका मॉडल नंबर देख सकते हो। जिसका जो प्रोसेसर है वो है AMD का प्रोसेसर। हमने देखा था इंटेल और AMD के प्रोसेसर होते हैं, तो AMD का है इसमें, एंड दैट इज़ गुड। Ryzen 5 है इसमें, आप देख सकते हो Ryzen 5, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो इंटेल कोर i5 के। Ryzen 5 भी बहुत ही अच्छा है, i5 के साथ आप कंपेयर कर सकते हो इसको। इसका जो रैम है वो 8GB का है, एंड गाइस जो प्रोसेसर स्पीड है वो बेस इसका स्टार्ट होता है 2.1 GHz से, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड जा सकता है 3.6-3.7 GHz तक। और इसका जो कोर्स है वो जिसका जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है, लाइक 4 कोर्स है इसमें। मेमोरी टाइप DDR4। इसका जो रैम है वो आप एक्सपांड कर सकते हो 16GB तक। दूसरा स्लॉट अवेलेबल इसमें डाल के आप 16GB तक आपकी मेमोरी एक्सपांड कर सकते हो। इसका जो HDD है, हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज मेमोरी है वो है 1TB तक आप डाटा स्टोर कर सकते हो। गाइज इसका बहुत ही अच्छा बेस्ट मुझे ये चीज़ लगा, इसमें ग्राफिक कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। NVIDIA GeForce GTX 1650, मतलब आप हाई रिजोल्यूशन की गेम इसमें खेल सकते हो। ग्राफिक कार्ड्स बहुत ही हाई एंडेड, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, आपका ये काम हो जाएगा इसमें। रैम टाइप DDR5 है ग्राफिक कार्ड्स का। और गाइज आप देख सकते हो जो ग्राफिक कार्ड का रैम साइज़ है वो है 4GB। आप दूसरे लैपटॉप्स में देखेंगे अगर ग्राफिक कार्ड्स होता है तो वहाँ पर 2GB होता है, बट इसमें 4GB आपको मिल रहा है और बहुत ही कम प्राइस मिल रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। तो गाइस फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। गाइस इसकी जो एवरेज बैटरी है वो 8 घंटे तक आराम से चल जाएगा लैपटॉप, एंड बाकी सब है इसमें लाइक बैकलाइट। आप रिव्यूज़ देखना, रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े हैं, अच्छा है लैपटॉप गाइस। तो गाइस लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, वेट करना। कभी बिग बिलियन सेल्स आए, कोई अगर डिस्काउंट मिल रहा है उस टाइम का वेट कर सकते हो, बट अभी ऑनलाइन डिलीवरीज आई डोंट नो चालू है कि नहीं, तो ऑफलाइन भी आई गेस अगर चालू है तो जाओ और लेके आओ लैपटॉप, अपना न्यू ब्रांड लैपटॉप। आई होप आप उसका अच्छे से यूज़ करोगे, और आई होप मैंने आपके लैपटॉप के रिलेटेड डाउट्स है वो क्लियर किए रहेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ऐसे वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, और कमेंट कर सकते हो क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए सब।